एवरीवन, इस लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे बेस्ड ऑन योर थेवेनिन एंड नॉर्टन थ्योरम। करेक्ट हुई इतनी बात। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में रहेगा, तो आप अच्छे से इसको समझना सो दैट आपका कंसेप्ट ईजिली क्लियर हो जाए, राइट। तो मेरे पास ये 7 नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं, तो सबसे पहले हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। इस क्वेश्चन में आपने नॉर्टन इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना था अक्रॉस ए बी टर्मिनल। ये ए बी टर्मिनल आपके ओपन छोड़े हैं, ये इसके अक्रॉस आपने नॉर्टन इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, क्लियर। तो नॉर्टन थ्योरम में हमने देखा था, नॉर्टन इक्विवेलेंट में क्या होता है भाई, आई एन निकालना होता है और उसके पैरेलल में क्या लगाते हैं हम, नॉर्टन रेजिस्टेंस, क्लियर। तो आपको कैलकुलेट करना बताया था भाई, आर एन कैसे निकलेगी और आई एन कैसे निकलेगी, क्लियर। आई एन ही मेरा क्या होता है भाई, शॉर्ट सर्किट करंट, करेक्ट हो इतनी बात। तो यहाँ जिसके अक्रॉस मुझे नॉर्टन या थेवेनिन इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, उसके अक्रॉस जो भी टर्मिनल होगा उसको हम शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट करने के बाद उसके अक्रॉस मुझे शॉर्ट सर्किट करंट निकालना होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्टन करंट, करेक्ट हो इतनी बात। तो नॉर्टन के केस में ये जो रेजिस्टेंस होती है आर एन, इसको कैलकुलेट करने की भी भाई मैंने आपको मेथड बता रखी है। जब मेरे पास कोई भी डिपेंडेंट सोर्स नहीं होगा तो सिंपली हम जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स होंगे उसको जीरो कर देंगे। जीरो करने का मतलब क्या, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे और आपके करंट सोर्स को क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। और उसके जिस टर्मिनल के क्रॉस आपको आर एन निकालना है या आर टी एच निकालना है उसके क्रॉस हम कैलकुलेट कर लेंगे, क्लियर। सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा आपका रेजिस्टेंस का, आप ईजिली निकाल सकते हो, करेक्ट हुई इतनी बात। अब मुझे क्या निकालना है, आई एन निकालना है, राइट। तो देखिए भी इस क्वेश्चन के अंदर भाई 2 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है, एक मेरे पास डिपेंडेंट सोर्स है दैट इज़ इंडिपेंडेंट सोर्स, राइट। तो निकालो जल्दी से केवीएल और केसीएल की हेल्प लीजिए और निकाल दीजिए आंसर जल्दी से। इसको अगर मैं रेफरेंस ले लूँ और इस नोड के ऊपर जो वोल्टेज है अगर मैं उसको वी एक्स ले लूँ, क्लियर, तो बताइए जे वाला करंट कितना होगा, वी एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई कितना है, रेजिस्टेंस 2 है। जे वाला करंट कितना होगा, वी एक्स डिवाइड बाई 2, इस तरफ वाला करंट कौन सा हो जाएगा राजी, दैट इज, हाँ जी, ए बी टर्मिनल, यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है, तो एरो मुझे बी ए की तरफ लेना पड़ेगा, राइट। तो इसकी डायरेक्शन मैं ऐसे ज्यूम करके चल रहा हूँ, करेक्ट हुई इतनी बात। तो जी आई एन मेरा इनकमिंग है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ आई एन दैट इज इक्वल टू 0। तो आई एन की जो वैल्यू मेरे पास आने वाली है वी एक्स बाई 2 माइनस 1 प्लस वी एक्स बाई 2, वी एक्स बाई 2 वी एक्स बाई 2 1 हो जाएगा। इसका मतलब जो आई एन मेरे पास आई एन करंट है उसकी वैल्यू क्या आ गई, वी एक्स माइनस 1, क्लियर। तो अगर मुझे वी एक्स का वैल्यू मिल गया तो मेरे पास जो शॉर्ट सर्किट करंट है अक्रॉस ए बी टर्मिनल वो मुझे मिल जाएगा, करेक्ट हो इतनी बात। तो आप वी एक्स कैसे निकालें भाई जल्दी से बताओ। तो वी एक्स जो होगा, ये देखिए पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगी, ये इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज जे होगा और वही वोल्टेज जे होगा, क्योंकि इसमें कोई भी रास्ते में रेजिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब वी एक्स की जो वैल्यू है दैट इज़ 3V, क्लियर। हम यहाँ से एक चीज़ और बता सकते हैं भाई, इसको मैं मिटा रहा हूँ भाई, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। इसका मतलब पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, ये जो वी एक्स है ये पूरी वोल्टेज वी एक्स है, वी एक्स मेरा किसके इक्वल आ गया भाई, वी एक्स इक्वल टू 3V, क्लियर। एक इक्वेशन मुझे यहाँ से मिल गया, राइट। और जो V है वो कौन सी है, जे वाली वोल्टेज है, क्लियर। अगर इस वोल्टेज की मैं बात करूँ, ये V की वैल्यू क्या होगी, मान लीजिए इसके अंदर जो करंट जा रहा है वो इस तरफ से, मान लीजिए इसमें जो करंट जा रहा है मान लीजिए I जा रहा है, क्लियर। तो I जा रहा है तो करंट अगर ऐसे जाएगा, ड्रॉप इज पॉजिटिव से नेगेटिव, ड्रॉप की पोलैरिटी और V की पोलैरिटी सेम है, इसका मतलब जो V होगी दैट इज इक्वल टू 2 इंटू आई, ये मेरी बी इक्वेशन होगी, राइट। अब मुझे आई करंट की वैल्यू चाहिए, आई करंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं भाई, इस नोड पे केसीएल अप्लाई कर दो, वी एक्स माइनस 2 डिवाइड बाय 2, तो वी एक्स माइनस 2 ये वाली वोल्टेज 2 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस 2, करेक्ट हो इतनी बात। और जो वी एक्स है उसकी वैल्यू कितनी है राजे, 3V, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3V माइनस 2 डिवाइड बाय 2, तो आई की वैल्यू आ जाएगी 3V बाय 2 माइनस 1। इसी आई को अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो देखिए क्या आएगा, वीकल टू 2 इंटू 3V बाई 2 माइनस 1, करेक्ट। तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, 3V माइनस 2, जे V को इधर ले जाओ 2 को उधर ले जाओ, ठीक है। तो 2V इक्वल टू 2, तो यहाँ से V की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1 वोल्ट, करेक्ट हुई इतनी बात। तो अगर मेरे पास V का वैल्यू आ गया तो Vx की वैल्यू कितनी आ जाएगी राजी, तो Vx इज इक्वल टू 3V है, वी इक्वल टू 1 है, तो वी एक्स मेरे पास कितना आ गया,
3 वोल्ट आ गया, राइट। अगर ये 3 वोल्ट आ गया तो आई एन करंट की वैल्यू भी बता सकते हो भाई, बी एक्स माइनस वन दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर, क्लियर। इसका मतलब ये जो करंट सोर्स यहाँ पे रहने वाला है, इसकी जो वैल्यू आने वाली है दैट इज 2 एम्पियर, करेक्ट हुई इतनी बात। बड़ा इजी क्वेश्चन था भाई, आप ऐसे बस केवीएल और केसीएल ही है आपका सभी क्वेश्चन में, उसी को ही आपने यूज़ करना है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आरएन को कैलकुलेट करना। आरएन इज नथिंग बट आरटीएच। इसको कैलकुलेट करने से पहले जितने भी आपके इंडिपेंडेंट सोर्स होंगे उन सभी को हम क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, क्लियर। जीरो करने का मतलब क्या है, ये जो वोल्टेज सोर्स है इसको क्या कर देंगे, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी होती है, जीरो, राइट। इसका मतलब वोल्टेज सोर्स मेरा जहाँ जहाँ वोल्टेज सोर्स होगा उसको हम क्या कर देंगे राजे, शॉर्ट सर्किट, ये हो जाएगा मेरा शॉर्ट सर्किट, राइट। और ये मेरे पास ओपन रहेगा भाई ए बी टर्मिनल, क्लियर, ये ए और बी टर्मिनल है, राइट। और तो कहीं नहीं है, नहीं है। अगर मेरे पास ये डिपेंडेंट सोर्स ना होता तो मैं डायरेक्टली ये दोनों पैरेलल में हो जाते और इसके साथ ये सीरीज में हो जाता और मेरा आंसर मुझे मिल जाता। लेकिन अभी ये यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट सोर्स, जब भी डिपेंडेंट सोर्स आ जाएगा मैं या तो यहाँ पे 1 एम्पियर का सोर्स कनेक्ट करूँगा या फिर 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, करेक्ट हुई इतनी बात। जब ऐसे कोई सिंगल ब्रांच आ जाए तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स की वजह से आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या कनेक्ट करने वाला हूँ, बोलो जी, मैं 1 एम्पियर का करंट सोर्स लगा लेता हूँ, ठीक है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो मुझे निकालनी होगी, वोल्टेज V, क्लियर। बिकॉज इन केस ऑफ अगर मैं 1 एम्पियर का करंट सोर्स यूज़ कर रहा हूँ उस केस में आपके पास क्या आएगा भाई, आपकी जो RTH और RN की वैल्यू होगी हमने डिस्कस किया था, जैसे वोल्टेज बटा क्या होता है रेजिस्टेंस, R इज इक्वल टू V बाई I, यही होता है कि नहीं होता। अब आई तो आपने 1 एम्पियर ले लिया, इसका मतलब जो वोल्टेज इसके क्रॉस आ जाएगी वही मेरी उतने ओम रेजिस्टेंस हो जाएगी, क्लियर अभी पॉइंट। तो आरटी इज नथिंग बट वोल्टेज वी अक्रॉस 1 एम्पियर करंट सोर्स, करेक्ट हुई इतनी बात। चलें भाई बढ़ें आगे, चलिए जी आगे देखते हैं। जो जो चीज़ मुझे गिवन थी पहले वो मैं सर्किट में रख लूँगा, बाकी चीज़ मुझे गिवन है, राइट। अगर मैं इसी पॉइंट पे वोल्टेज वी एक्स अज्यूम कर लूँ तो उस केस में मुझे बताइए इसकी वैल्यू कितनी होगी, क्लियर। अप्लाई केसीएल एट नोड वी एक्स, जल्दी से बताओ भाई ये वाला करंट कितना होगा, वी एक्स माइनस जीरो डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है, 2, नीचे वाली रेजिस्टेंस प्लस वी एक्स बाई 2, इधर से करंट कितना आ रहा था जी, माइनस 1 इक्वल टू 0, तो वी एक्स बटे 2 प्लस वी एक्स बाई 2, वी एक्स इक्वल टू ये नेगेटिव उधर जाके प्लस हो जाएगा, इसका मतलब वी एक्स की जो वैल्यू है दैट इज़ 1 वोल्ट, क्लियर। यहाँ पे जो वोल्टेज है वी एक्स को मैं हटाकर यहाँ पे लिख लेते हैं 1 वोल्ट, जहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए भाई, क्लियर। ये मेरे पास भाई आ गया 1 वोल्ट, क्लियर। अगर ये रेफरेंस है इसका मतलब ये जो वोल्टेज है वो मेरी कितनी है भाई, 3V है इस पॉइंट पे, करेक्ट हुई इतनी बात। अब मुझे एक चीज़ और बताइए, अगर मैं वोल्टेज V की वैल्यू निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ भाई, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इस I करंट की वैल्यू निकाल सकते हो, इस I करंट की जो वैल्यू होगी दैट इज़ 1 माइनस 0 डिवाइड बाई 2, तो 1 बाई 2 एम्पियर होगा। तो इस वोल्टेज V की वैल्यू ऐसे ही जाएगा, तो ड्रॉप इज़ प्लस टू माइनस, ड्रॉप की पोलैरिटी और जो वोल्टेज आपने कैलकुलेट करना है वो दोनों सेम है, I इंटू रेजिस्टेंस कितना है 2, तो 1 बाई 2 इंटू 2, तो जो वोल्टेज V है वो भी मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट, क्लियर। और 1 वोल्ट आना भी चाहिए, अगर मैं इसी रेजिस्टेंस को यहाँ पे दिखा दूँ तो पैरेलल में जो वोल्टेज होता रहा जी वो मेरा क्या रहेगा, सेम होता है, क्लियर। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो, क्लियर। इस V की वैल्यू कितनी है, 1, इसका मतलब अगर ये V 1 है तो इस केस में इस पॉइंट पे जो मेरी वोल्टेज रहेगी दैट इज़ 3 वोल्ट। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो बताइए भाई, क्लियर। अब मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ पे वोल्टेज कितनी है, ये पॉजिटिव है, हायर वोल्टेज है 1, माइनस वाली जगह पे कितनी है, माइनस 3, इसका जो डिफरेंस होगा दैट इज़ इक्वल टू V, तो V की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी भाई, 2 वोल्ट, क्लियर। इसका मतलब जो RN है और RTH है दैट इज इक्वल टू V, दैट इज नथिंग बट माइनस 2 एम्पियर, क्लियर है भाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, माइनस 2 ओम, क्लियर। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हम दिखाएंगे दैट इज माइनस 2, क्लियर, दैट इज द नॉट एन इक्विवेलेंट, करेक्ट हो इतनी बात। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो बताइए भाई जल्दी से, क्लियर।
तो आप देख सकते हो भी ऐसे ऐसे हमने सिंपल नेटवर्क की हेल्प से इस सर्किट को सॉल्व कर लिया, राइट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर वन के अंदर के आपके पास आपने थेवेनिन इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है अक्रॉस ए वी टर्मिनल, क्लियर। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट क्या होता है भाई, ये थेवेनिन इक्विवेलेंट होता है, ये होता है बीटीएच और यहाँ पे हम लगा देते हैं आरटीएच। यहाँ पे जिस भी टर्मिनल के अक्रॉस निकालना हो वो वाले टर्मिनल हमारे यहाँ पे आ जाते हैं, क्लियर। ए और बी है, यहाँ पे हम लिख देंगे ए और बी टर्मिनल, क्लियर। जो बीटीएच होता है ये क्या होती है, ओपन सर्किट वोल्टेज, करेक्ट हुई इतनी बात, ओपन सर्किट वोल्टेज। और आरटीएच और आरएन निकालने का मेथड आपका सेम रहेगा, करेक्ट हुई इतनी बात। अब मुझे एक चीज़ बताइए, अगर मुझे यहाँ पे ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना है तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जल्दी से बताइए भाई। दो मेथड से आप इसको कर सकते हो, या तो आप इसमें केवीएल अप्लाई कर दीजिए, जैसे ही आप केवीएल अप्लाई करेंगे इसके अंदर कोई भी करंट आई अज्यूम कर लीजिए, वो आई करंट आ जाएगा, उस आई को इस 40 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, वही मेरी वोल्टेज क्या हो जाएगी, जे हो जाएगी, क्लियर। तो कैलकुलेट कर दो जी, अप्लाई केवीएल इन दैट लूप, तो कितना हो जाएगा, -20 एंगल ऑफ 0 डिग्री प्लस जे 80 इंटू आई प्लस 40 इंटू आई प्लस जे, यहाँ पे माइनस है भाई, -60 इंटू आई, क्लियर। इसमें से आई कॉमन निकाल लेते हैं तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, जे -20 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, मीन्स 20 एंगल ऑफ 0 दैट इज इक्वल टू आई, मेरा कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा 40, जे -60 है, जे +60 है, जे के साथ इमेजिनरी पार्ट है, तो कितना रह जाएगा प्लस जे 20, क्लियर। तो आई की वैल्यू जो आ जाएगी 20 एंगल ऑफ 0 डिग्री डिवाइड बाय, इसमें से अगर मैं 20 कॉमन निकालूं तो अंदर क्या बचेगा 2 प्लस जे 4, समझ पा रहे हैं भाई पॉइंट। अगर मैं 20 यहां से कॉमन निकालूं, यहां पे 2, ये 20 बाहर आ गया, तो यहां पे सिंपल 1 आपके पास बच जाएगा, क्लियर है भाई पॉइंट। ये 20 के साथ 20 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो करंट आई की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1 एंगल ऑफ 0 डिग्री डिवाइड बाय 2 प्लस जे 1। इसको अगर मैं फेजर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकते हैं भाई, ये 2 प्लस जे है, 2 प्लस जे, इसको हम मैग्नीट्यूड और एंगल की फॉर्म में लिख सकते हैं। जो मैग्नीट्यूड होगा राजे वो क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसका अंडरूट, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 अंडरूट 5। और जो थीटा एंगल होता है दैट इज टेन इनवर्स अमेजनरी पार्ट का डिवाइड बाई रियल पार्ट, क्लियर। उसका टेन इनवर्स कैलकुलेट कर दो, मेरे पास मेरा थीटा आ जाएगा, क्लियर अभी पॉइंट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 एंगल ऑफ 0 डिग्री, यहाँ पे मैग्नीट्यूड जे आ गया, और इसका जो एंगल आप निकालोगे टेन इनवर्स करके आई थिंक 26.86 ऐसा कुछ आएगा, क्लियर। जितना भी आएगा वो यहाँ पे लिख लेना, राइट। अब आगे देखिए, जो आई करंट मेरे पास आने वाला है 1 डिवाइड बाई रूट 5, ये एंगल नीचे प्लस का, तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्लियर। इसलिए भाई मैंने आपको बोला था कॉम्प्लेक्स नंबर की सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ को रीड कर लेना, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका जो YouTube पे ऑलरेडी अपलोडेड है, उस लेक्चर को आप ध्यान से देखना, वो आगे हर एक सब्जेक्ट में यूज़ होगा, क्लियर। तो आपके पास आई करंट की वैल्यू आपको मिल गई, क्लियर। अब मुझे निकालना था VTH, VTH क्या होगा, इस 40 वोल्ट के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वही मेरे पास ये वाली ओपन सर्किट वोल्टेज होगी, दैट इज़ BTH, करेक्ट हुई इतनी बार। ये आई करंट ऐसे जाएगा तो ड्रॉप इज प्लस टू माइनस, क्योंकि आई ऐसे रोटेट कर रहा है, राइट। तो प्लस माइनस तो पॉजिटिव आंसर आएगा। तो BTH करंट की अगर मैं बात करूँ, सॉरी BTH वोल्टेज की अगर मैं बात करूँ, तो बताइए जल्दी से कितनी होगी, BTH इज इक्वल टू 40 इंटू करंट आई। तो 40 इंटू करंट की वैल्यू किसके इक्वल आई भाई, 1 डिवाइड बाय रूट 5 एंगल ऑफ -26.6। इसको सॉल्व कर लेना भाई, इतने वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। यही वोल्टेज मेरी यहाँ पे आ जाएगी, करेक्ट हुई इतनी बात। अब इसका निकालते हैं RTH, तो जल्दी से निकालो भाई RTH क्या होगा। और एक चीज़ और आपको बता दूं, जो भी आपने कैलकुलेशन करनी है, जो आपका गेट का कैलकुलेटर ऐप है, उसके थ्रू ही आपने प्रैक्टिस करना है, राइट। क्योंकि एग्ज़ाम में वही रहेगा और उसकी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, करेक्ट हुई इतनी बात। तो ये मेरे पास BTH आ गया। अब मुझे निकालना है RTH
अक्रॉस ए बी टर्मिनल, इसके अक्रॉस मुझे आर टी एच निकालना है, करेक्ट हुई इतनी बात। तो आर टी एच निकालने से पहले हम क्या कर देंगे, सभी को जितने भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हैं या करंट सोर्स है उसको शॉर्ट और ओपन कर देंगे रिस्पेक्टिवली, राइट। अब मुझे एक चीज़ बताइए, इसमें कोई डिपेंडेंट सोर्स है? नहीं है। तो सिंपल सर्किट है आपके पास, इन दोनों जे दोनों मेरे सीरीज़ में है, जे क्या हो जाएगा पैरेलल में, क्यों? अगर मैं यहाँ से करंट भेजूँ तो करंट मेरा दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, लेकिन जे जो करंट है सभी में सेम रह रहा है, इसका मतलब जब भी करंट जिस एलिमेंट में सेम रहेगा वो ऑलवेज किस में होंगे, सीरीज़ में, और सीरीज़ में रेजिस्टेंस हो इंडक्टेंस हो वो सभी क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, क्लियर। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, इन दोनों की जगह पे हम बचा सकते हैं भी प्लस, प्लस जे ट्वेंटी रह जाएगा, क्लियर। अब जे दोनों किस में रहा है, जे पैरेलल में कनेक्टेड है, तो आर टी एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब भी दो पैरामीटर पैरेलल में हो तो ऊपर दोनों की मल्टीप्लाई, नीचे दोनों का समीशन, 40 प्लस जे 20, करेक्ट हुई इतनी बात। तो 20 बाहर निकालो तो 2, 20 के साथ 20 कैंसिल हो जाएगा, तो जे 40 डिवाइड बाई 2 प्लस जे 1, क्लियर। इसको फिर आप वैसे कि वैसे लिख लो भाई, तो 40 डिवाइड बाई इसका अंडररूट 5 था, और जो अकेला प्लस का जे होता है, प्लस के जे का जो एंगल होता है दैट इज़ 90 डिग्री, माइनस जे का जो एंगल होता है दैट इज़ माइनस 90 डिग्री, क्लियर। कम्प्लेक्स नंबर में आप देख लेना भाई, क्लियर। तो यहाँ पे क्या आएगा, 90 डिग्री, और नीचे एंगल आपका अप्रोक्सीमेट आया था 26.86, क्लियर अभी पॉइंट। अब ये जो एंगल है नीचे वाला, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 40 डिवाइड बाई अंडर रूट 5 दैट इज़ ऊपर पहले 90 पड़ा था, माइनस कितना हो जाएगा 26.86, इन दोनों को माइनस कर देना, यहाँ पे लिख देना, क्लियर। इतने ओम आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा भाई, क्लियर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, जो भी इसका आंसर आएगा वो यहाँ पे हम ड्रॉ कर देंगे, करेक्ट हुई इतनी बार। तो ये सिंपल क्वेश्चन था भाई। सेकेंड क्वेश्चन देखिए भी जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से रीड करिए भाई, और देखिए क्या पूछ रहा है आपसे। थेवेनिन इक्विवेलेंट अक्रॉस एक्सवी एक्स वाई टर्मिनल, करेक्ट हुई इतनी बात। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बी टी एच निकालेंगे। तो बी टी एच कैसे निकलेगा भाई, ये होता है मेरा बी टी एच, ये है मेरा बी टी एच, इसको मुझे निकालना है। आप बताओ मुझे जल्दी से कैसे निकालें इसको, निकालने का मेथड आपका सेम रहेगा, आप यहाँ पे कोई नोड ले लो वी ऑफ एक्स, क्लियर। ये देखिए तीनों पॉइंट मेरे कॉमन है, क्लियर। इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ समझने के लिए, क्योंकि कॉमन पॉइंट है, समझने के लिए केसीएल का कंसेप्ट समझने के लिए हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, करेक्ट हुई इतनी बात। अब यहाँ पे वोल्टेज मान लीजिए वी ऑफ एक्स है, तो वी ऑफ एक्स की जगह पे आप जाइए और बाहर की तरफ को सभी करंट को ज्यूम कर लीजिए और अप्लाई कर दिए केसीएल, अप्लाई केसीएल एट नोट बी ऑफ एक्स। हाँ जी, सबसे पहले ये वाला करंट किसके इक्वल होगा, इसको रेफरेंस ले लेंगे भाई, हाँ जी, वी ऑफ एक्स माइनस 0, पॉजिटिव साइन आ रहा है, तो माइनस 2i डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना भाई 1, प्लस ये नीचे वाला करंट कितना भाई वी ऑफ एक्स डिवाइड बाई 1, हाँ जी, आगे इनसाइड आ रहा है करंट माइनस 2 एम्पियर, ये वाला करंट कितना होगा वी ऑफ एक्स डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0, क्लियर। अगर मैं और देखूं ध्यान से, इस वी ऑफ एक्स की जो वैल्यू होगी दैट इज नथिंग बट वी एक्स माइनस 0 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू आई, तो वी ऑफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है भाई, वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू करंट आई, क्लियर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं भाई, वी ऑफ एक्स माइनस 2i, आप ऐसा करिए, चलो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्लस वी ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस वी ऑफ एक्स बाई 2, क्लियर। 2 वी ऑफ एक्स प्लस वी एक्स बाई 2, ये नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा, माइनस 2i इक्वल टू पॉजिटिव 2, क्लियर। अब 2 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 5 वी एक्स बाई 2 माइनस 2i इक्वल टू 2, क्लियर। इस 2 एलसीएम को ले लो, उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 ऑफ वी एक्स माइनस 4i इक्वल टू 4, करेक्ट हुई इतनी बात। अब मुझे एक चीज़ बताइए, जो वी ऑफ एक्स है दैट इज नथिंग बट आई, क्लियर। तो इसको मैं आई के साथ रिप्लेस कर दूं, या आई को आप वी एक्स लिख लो, तो 5 ऑफ वी एक्स माइनस 4 वी एक्स दैट इज इक्वल टू 4, तो वी एक्स की जो वैल्यू आ गई मेरे पास दैट इज 4 वोल्ट, करेक्ट हुई इतनी बार। इसका मतलब जो करंट हैगा जो होगा वो भी मेरा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, करेक्ट हुई इतनी बार।
तो ये मेरे पास वही इक्वेशन मेरे पास आ गया। अगर मुझे v ऑफ x मुझे मिल गया तो v ऑफ x इज नथिंग बट ये भी vx है, ये भी vx है, ये भी क्या है मेरा vx। मान लीजिए पॉइंट a है, ये पॉइंट मान लीजिए b है, अगर ये a है ये भी a a a a a a a a ये भी a होगा, अगर ये b है तो कॉमन पॉइंट b b b b a b a b a b। क्लियर, इसका मतलब वी टी एच इज नथिंग बट वी ऑफ एक्स, वी एक्स इज नथिंग बट 4 वोल्ट। करेक्ट हो इतनी बात, तो इजी था भाई। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं, फिर आगे नेक्स्ट हम देखेंगे इसका आर टी एच कैसे निकालना है वो भी देख लेते हैं भाई। क्लियर, तो पहले सर्किट जैसा था वैसा हम इसको दिखा देते हैं, ऐसे मेरे पास सर्किट था। क्लियर, जैसे ही हम आरटीएच निकालेंगे जितने इंडिपेंडेंट सोर्स है उसको जीरो कर देंगे। ये करंट सोर्स है, करंट सोर्स जीरो कैसे होगा, इसको क्या कर देंगे राजी, ओपन सर्किट। राइट, ये हो जाएगा मेरा ओपन सर्किट। करेक्ट हुई इतनी बात। अब यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स है, जब भी डिपेंडेंट सोर्स आ जाए तो उस केस में आरटीएच कैसे निकालती हैं जल्दी से बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट है। उस केस में हम 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स लगाएंगे। क्लियर, इसका मतलब हम यहाँ पे क्या कनेक्ट कर रहे हैं भाई, 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स हम कनेक्ट कर देते हैं। क्लियर, और यहाँ से करंट कितना है आई, तो जो आरटीएच होगी दैट इज नथिंग बट 1/i ओम। क्लियर, तो इस आई को निकाल लीजिए और उसकी वैल्यू क्या होगी, उसका रेसिप्रोकल करके हम आरटीएच निकाल सकतेंगे। ठीक है, आर क्या होता है, बी बटा आई होता है ना, ये वोल्टेज की वैल्यू कितनी पुट कर दी 1, इसका मतलब इस आई को निकालो। समझ रहे हैं भाई पॉइंट, तो आई को कैलकुलेट कर सकते हैं भाई इजीली, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। यहाँ पे वी ऑफ एक्स आप ज्यूम कर लीजिए और अप्लाई केसीएल एट नोड वी ऑफ एक्स। हाँ जी, जे वाला करंट कितना हो जाएगा, वी ऑफ एक्स डिवाइड बाई वी ऑफ एक्स माइनस 2i डिवाइड बाई कितना भाई, रेजिस्टेंस है 1। नीचे वाला करंट कितना होगा, प्लस वी एक्स डिवाइड बाई 1। जे वाला करंट कितना होगा, बी एक्स वाई 2। और इधर से करंट कितना आ रहा है, माइनस आई बराबर है 0। क्लियर, अब देखिए अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है भी जे वाला करंट की वैल्यू कितनी होगी। क्लियर, तो या तो आप इसको ऐसे लिख लो, इस करंट को आई एक्स ले लो। ठीक है, आई एक्स करंट किसके इक्वल होगा, जे वाला करंट प्लस जे वाला करंट, या फिर आप डायरेक्टली इसको क्या करो, सर्किट को सिंप्लीफाई कर लीजिए जैसे मैंने किया था। क्लियर, इसका मीनिंग सेम ही होता है जी, तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा जे वाला करंट और जे वाला करंट। करेक्ट हुई इतनी बात। चलिए अब यहाँ से आई करंट जो है मेरे पास उसकी वैल्यू किसके कल आ जाएगी, नेगेटिव इधर जाके पॉजिटिव हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1 और 1 2 2 में आधा और ऐड कर दीजिए, दैट इज 2.5 मीन्स 5/2 वी ऑफ एक्स माइनस 2i। क्लियर, और यहाँ से ये भी क्लियर है वी ऑफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है भाई, आई के इक्वल है, वी ऑफ एक्स इक्वल टू आई, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए भाई। तो आई करंट की जो वैल्यू है दैट इज 5/2 वी ऑफ एक्स माइनस वी ऑफ एक्स कितनी 2, तो कितना बचेगा वी एक्स बाई 2, तो इस आई करंट की जो वैल्यू है दैट इज वी एक्स बाई 2। इसका मतलब अगर मुझे वोल्टेज वी ऑफ एक्स मिल गया तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा, ये 1 वोल्ट का सोर्स मैंने लगाया है, जे भी 1 वोल्ट है, जे भी 1 वोल्ट है, जे भी 1 वोल्ट है, इसका मतलब वी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है राजे वो कितनी है, वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 वोल्ट। अगर बी ऑफ एक्स 1 वोल्ट है इसका मतलब करंट आई की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1/2 एम्पियर। अगर आई मेरा 1/2 है तो मेरा आरटीएच किसके इक्वल हो जाएगा, आरटीएच इज नथिंग बट 1/i, तो 1/1/2 ये ऊपर चला जाएगा, तो आंसर किसके इक्वल आ जाएगा भाई, 2 ओम। करेक्ट हुई इतनी बात, तो मेरा जो वीटीएच और आरटीएच का कॉम्बिनेशन है दैट इज थेवेनिन इक्विवेलेंट। क्लियर, जे ए है जे बी है। क्लियर, तो वोल्टेज किसके इक्वल आई थी भाई हमारी, ज़्यादा किसी को तो पीछे करके देख लेना, वोल्टेज आई थिंक 4 वोल्ट आया होगा, तो 4 वोल्ट मेरी जे आई थी, अगर कम आया होगा वो वहाँ से करेक्ट कर लेना। ठीक है, और रेजिस्टेंस किसके इक्वल आ गया रहा जी, 2 ओम। क्लियर, इसका मीनिंग देखिए, ये जो मेरे पास यहाँ पे एक्स और वाई टर्मिनल थे, ये एक्स और वाई टर्मिनल थे उसके अक्रॉस मुझे थेवेनिन इक्विवेलेंट ड्रॉ करना था, इसका मीनिंग एक्चुअल में क्या हो रहा है, अब आरटीएच मेरा 2 ओम निकल गया भाई। अब एक्चुअल में सर्किट ऐसा गिवन था, क्लियर, यहाँ पे मेरे पास करंट सोर्स गिवन था, क्लियर, 2 एम्पियर का। क्लियर, आपके पास ये जो सर्किट था, ये पूरे का पूरा जो सर्किट था इसका इफेक्ट आपने निकाल लिया, ये एक्स वाई टर्मिनल मेरे ऐसे के ऐसे ही हैं,
जी एक्स वाई टर्मिनल मेरे ऐसे के ऐसे ही हैं, जो पीछे वाला सर्किट जितना भी बचा था उसको आपने इस सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो जे मेरे पास क्या हो गया राजे, बोलो बोलो क्या हो गया, जे मेरे पास हो गया थेवेनिन इक्विवेलेंट। अगर इसी थेवेनिन इक्विवेलेंट को अगर मैं नॉर्टन में कन्वर्ट करूँ तो इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से हम इसको कर सकते हैं, क्लियर। अगर ये 4 वोल्ट है इसको मैं ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ भाई करंट सोर्स में, और पैरेलल में क्या हो जाएगा मेरा, बोलो जी, रेजिस्टेंस हो जाएगा। उस रेजिस्टेंस की वैल्यू तो सेम रहती है लेकिन ये करंट आई की वैल्यू है, ये किसके इक्वल हो जाएगी, वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितना था भाई 4, और जो रेजिस्टेंस है वो 2 है, तो कितने एम्पियर का सोर्स लगेगा, दैट इज 2 एम्पियर, करेक्ट हुई इतनी बात। अगर जे वाली फॉर्म गिवन है इससे मैं ये भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसमें जे भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्लियर। ऑलरेडी ये चीज़ हम देख चुके हैं, करेक्ट हुई इतनी बात। तो आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे, अपने आप खुद से ट्राई कीजिए और बताइए मुझे आंसर कितना आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 बताइए जल्दी से, इसको हम हटा देते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3, तो सेम क्वेश्चन है, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। जे मुझे चाहिए BTH, और इसका मतलब अगर जे BTH है इस पॉइंट पे भी क्या होगा, BTH होगा, क्लियर। मान लीजिए इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है दैट इज V ऑफ X, इसको हम रेफरेंस ले लेंगे, राइट। तो मुझे एक चीज़ बताइए, इन दोनों वोल्टेज से जे प्लस किसके साथ है, इस साइड है, इसका मतलब BTH माइनस BX इसके किसके इक्वल है भाई, BTH माइनस V ऑफ X दैट इज इक्वल टू 2I। तो BTH इज नथिंग बट V ऑफ X प्लस 2I, क्लियर। तो मुझे Vx और I निकालना है, दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, करेक्ट हुई इतनी बात। अब जल्दी से बताइए भाई हम कैसे इसको कैलकुलेट करें, हाँ जी कर सकता है कोई सॉल्व, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, इस सर्किट को देखिए, इस सर्किट को मैं ऐसे चेंज कर सकता हूँ भाई समझने के लिए, जस्ट माइनस प्लस 2I, और यहाँ पे आपकी थी BTH, करेक्ट हुई इतनी बात। तो अब अप्लाई KCL एट नोड VX, जल्दी से अप्लाई करिए भाई, वो उधर वाला करंट कितना होगा, BX माइनस 2 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस है 1, BX डिवाइड बाय 2, इधर वाला करंट कितना होगा, प्लस B ऑफ X प्लस 2I डिवाइड बाई कितना है भाई 1 इक्वल टू 0। ये पूरी ब्रांच मैंने कंसीडर कर ली, राइट। तो Vx माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2I डिवाइड बाई 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, करेक्ट हुई इतनी बात। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए और बताइए कितना आ रहा है भाई, 1 2 5 बाई 5 Vx बाई 2, ये नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 2I इक्वल टू 2, क्लियर। अब मुझे एक चीज़ बताइए, ये जो V ऑफ X है, अगर मैं इस I करंट की बात करूँ, I करंट किसके इक्वल आ जाएगा, Vx एक्स बाई 2, तो वी कैन से दैट Vx इज इक्वल टू 2I, क्लियर। इसी चीज़ को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो BTH इज नथिंग बट 2I पुट कर दो इसको, या फिर आप ऐसा करिए I की वैल्यू Vx बाई 2 रख दीजिए, तो Vx प्लस 2 इंटू I की वैल्यू है Vx बाई 2, जे कैंसिल हो जाएगा, जो BTH होगा दैट इज नथिंग बट 2 ऑफ BX। अब मुझे BX निकालना, मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा, राइट। अब मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ पे कितना है भाई, 5 BX बाई 2 प्लस 2 इंटू आई की वैल्यू किसके इक्वल है, BX बाई 2 इक्वल टू 2, ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 आप LCM लो, उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, 5 BX प्लस 2 BX इक्वल टू 4, तो 7 VX इक्वल टू 4, तो VX की वैल्यू किसके इक्वल आ गई राजी, 4/7 वोल्ट। अगर Vx आपका 4/7 वोल्ट है तो BTH किसके इक्वल हो जाएगा, इसका हम क्या कर देंगे डबल, तो 8/7 वोल्ट मेरे पास क्या आ रहा जाएगा राजे,
BTH। कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट है तो जल्दी से बताइए भाई, क्लियर। अगर KVL और KCL में पकड़ है, अच्छे से स्ट्रांग है, तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसने वाला नेटवर्क का, राइट। तो बड़े ही प्यार से आपको पढ़ा रहे हैं, तो रिवीजन प्लस प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं करोगे तो आप मार खाओगे, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला, क्लियर। मैं बार बार बोल रहा हूँ, KVL एंड KCL इज़ द बैकबोन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। नेटवर्क आप कुछ नहीं कर सकते, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक का कुछ भी नहीं कर सकोगे, पावर इलेक्ट्रॉनिक इज ऑल्सो आपको समझ में नहीं आएगा अगर आपका नेटवर्क वीक है, क्लियर। तो नेटवर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट हुई इतनी बात। तो बढ़े आगे भाई, तो जे मेरे पास BTH आ गया, अब हम क्या निकालेंगे जल्दी से बताओ। अब हम निकालेंगे RTH। RTH निकालने का मेथड क्या राजे, जल्दी से बताइए। RTH निकालने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स हैं उनको क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। अगर मेरे पास कोई डिपेंडेंट सोर्स गिवन है, उस डिपेंडेंट सोर्स की इफेक्ट लेने के लिए हमें क्या कनेक्ट करना होगा, 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स और 1 एम्पियर का करंट सोर्स, करेक्ट हुई इतनी बात। अब मैं सर्किट को फिर से वहीं पर लेके आ रहा हूँ। ये जो सर्किट था मेरा कुछ कैसा था भाई क्वेश्चन के अंदर, चलो मैं ऐसे ही रख रहा हूँ इसको, ठीक है, चलिए ऐसे ही रखते हैं, क्लियर। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे राजी, इसको क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट, क्योंकि वोल्टेज सोर्स है और यहाँ पे मैं क्या कनेक्ट कर दूंगा, 1 वोल्ट का सोर्स कनेक्ट कर देते हैं भाई, और जे करंट आई मुझे निकालना होगा, समझ पा रहे हैं भाई पॉइंट। अगर ये करंट आई मुझे मिल गया तो मेरा RTH नथिंग बट, अभी तो बताया था भाई, 1/iΩ, क्लियर है भाई पॉइंट। चलिए इसको सॉल्व करें फिर जल्दी से, यहाँ पे KCL अप्लाई करिए जल्दी से, KCL अप्लाई करो भाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाँ जी, V(x)/V(x)/2, जे वाला करंट बताओ, प्लस V(x)/2i/1=0। जे सभी करंट को ले लिया, ठीक है। अब इससे घबराना नहीं है कि आपने ये क्या कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, क्लियर। अगर इसको मैं रेफरेंस ले लिया तो यहाँ पे जो मेरी वोल्टेज है दैट इज़ 1 वोल्ट, करेक्ट हुई इतनी बार, लेकिन मैंने पूरी ब्रांच को ही यहाँ पे कंसीडर कर लिया है, क्लियर। तो मुझे एक चीज़ बताइए, अगर मैं इसको पूरे का पूरा कंसीडर कर लिया, अब इससे जो मेरा आंसर आने वाला वो कितना आने वाला है, दैट इज़ 5 VX/2, इन तीनों को मैंने ऐड कर दिया, प्लस 2i=0, क्लियर। और आई की जो वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू VX/2, क्लियर। कहीं पे हम गड़बड़ तो नहीं कर रहे, जल्दी से देखो भाई, अगर यहाँ पे मेरे पास 1 है, इसका मतलब इन दोनों का मैं यूज़ करके आपके आई करंट की वैल्यू निकाल सकता हूँ। देखिए 1 - V(x) दैट इज़ नथिंग बट 2i, तो इसका मतलब जो V(x) है, V(x) इज इक्वल टू 1 - 2i, क्लियर। और Vi की वैल्यू है दैट इज VX/2, तो आई की वैल्यू क्या है, VX/2, क्लियर। और सिंपली वी कैन से दैट जो V(x) है दैट इज इक्वल टू 2i, क्लियर। यहाँ पे अगर मैं 2i निकाल दूँ, 1 - 2i, ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 4i = 1, i की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1/4 एम्पियर, क्लियर। तो i करंट की मेरे पास वैल्यू मुझे मिल गई है, क्लियर। तो j करंट मेरे पास आ गया। अब मेरा क्वेश्चन ये था, हमें निकालना है j वाला करंट, क्लियर। इस वाले करंट की वैल्यू कैसे निकलेगी, राइट। अब V(x) की भी वैल्यू मुझे पता चल जाएगी भाई कितनी होगी। अगर I मेरे पास 1/4 एम्पियर है, इसका मतलब जो V(x) है वो डबल इन टू दिस है, दैट इज़ 1/2 वोल्ट, क्लियर। अब ये V(x) की जो वैल्यू है दैट इज़ 1/2 वोल्ट। यहाँ तक सब ठीक है भाई, कोई कन्फ्यूज़न है तो बताइए, चलिए यहाँ तक ओके है भाई, ठीक है, 1/2 वोल्ट, क्लियर। अगर मुझे आगे अगर मैं देखना चाहूँ तो आगे हम कैसे निकाल सकते हैं भाई, इस आई करंट की वैल्यू कितनी आ गई थी, 1/4 एम्पियर। अगर मैं इस साइड करंट की बात करूँ, इस साइड करंट कितना होगा, Vx-0/1, तो जे वाला करंट किसके इक्वल आ गया, 1/2 एम्पियर, क्लियर। इसका मतलब ये हुआ, अगर इस साइड में करंट कितना जा रहा है, 1/2 एम्पियर जा रहा है, इस तरफ कितना जा रहा है भाई, 1/4 एम्पियर जा रहा है। इसका मतलब इधर से जो करंट आई आ रहा होगा, उस आई करंट की वैल्यू कितनी होगी, स्मॉल आई की, इन दोनों का सम होगा कि नहीं होगा, 1/2 / 1/4, आंसर कितना आ जाएगा, 4, 2+1, दैट इज़ 3/4 एम्पियर। इसका मतलब यहाँ पे करंट कितना जा रहा है, 3/4 एम्पियर, क्लियर है भाई इतनी पॉइंट। अब इसका मतलब ये हुआ, इधर से करंट कितना आ रहा है, 1/2, इधर से कितना आ रहा है, 1/4, इधर से करंट कितना जाएगा, 3/4 एम्पियर, क्लियर।
इसका मतलब कुछ करंट मेरा इधर जाएगा, कुछ करंट मेरा इधर जाएगा, क्लियर। इस साइड करंट कितना जाएगा जल्दी से बताओ, ये वोल्टेज कितनी है 1 और रेजिस्टेंस कितना है 1, इसका मतलब इस ब्रांच में जो करंट होगा उसकी वैल्यू बताइए कितनी होगी। यहाँ पे प्लस और माइनस 1 वोल्ट होगा ना, इसका मतलब इसमें करंट जो ऐसे जाएगा। ऐसे कैसे पता चला, क्योंकि रेजिस्टेंस में जो ड्रॉप होते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव होते हैं, ये प्लस और माइनस है, क्लियर। ये वोल्टेज करेक्ट हुई इतनी बात, तो यहाँ पे करंट कितने जाने वाला है 1 एम्पियर। इधर से कितना आ रहा है 3/4, इधर से कितना आ रहा है 1 एम्पियर, क्लियर। इसका मतलब 3/4 इसमें करंट कितना जाएगा 3/4 प्लस 1 कर देंगे तो LCM आ जाएगा 4 3 प्लस 4, दैट इज 7/4 एम्पियर, क्लियर। इसका मतलब यही करंट मेरे पास कितना है भाई I, तो इस I करंट की वैल्यू किसके अकल आ गई भाई 7/4 एम्पियर, क्लियर। अब 7/4 एम्पियर से 1 एम्पियर तो इधर चला जाएगा और इधर कितना बच जाएगा फिर आपका 3/4, क्लियर। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो, इसका मतलब इस आई करंट की जो वैल्यू है दैट इज 7/4 एम्पियर, क्लियर। तो रेजिस्टेंस बता सकते हो, रेजिस्टेंस RTH दैट इज नथिंग बट 1/I दैट इज 4/7 ओम, करेक्ट हुई इतनी बात। अब जब हम यहाँ पे KVL अप्लाई कर रहे थे, सॉरी KCL एट नोड V ऑफ X, तो यहाँ पे मैं इस पूरे इफेक्ट को कंसिडर नहीं कर सकता। इस पूरे इफेक्ट को अगर मैं कंसिडर करता तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ हमारी गलती हो रही है। अगर हम इससे भी करना चाहें तो देख सकते हैं क्या होगा, यहाँ पे V ऑफ X है नहीं, यहाँ से नहीं निकाल सकते क्योंकि I की जो वैल्यू है वो आपकी Vx/2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे V ऑफ X आ गया, यहाँ से मेरा V ऑफ X 0 आ जाएगा, क्लियर, जो आपका गलत हो जाएगा, राइट। बिकॉज अब इस केस में क्या है, ये चीज़ कनेक्टेड है, आपस में ये चीज़ें कनेक्टेड है, पहले क्या था, ये ओपन सर्किट था, इसलिए मैंने इसको कंसीडर कर लिया था, क्लियर भाई। यहाँ से बचना है, ये गलती आपने नहीं करनी है, करेक्ट हुई इतनी बार। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फोर, क्या है क्वेश्चन नंबर फोर के अंदर, आपको इस ए बी टर्मिनल के अक्रॉस BTH और RTH निकालना है, क्लियर। तो सबसे पहले आ गया ओपन सर्किट वोल्टेज, ये मेरे पास होगा BTH, क्लियर अभी पॉइंट। इसका मतलब अगर मैं इसको रेफरेंस ले लूँ, ये भी मेरे पास क्या होगा BTH होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या है सेम है, क्लियर। इस पॉइंट पे KCL अप्लाई कर दो भाई, अप्लाई KCL एट नोड, हाँ जी BTH, तो J वाला करंट तो इनकमिंग आ रहा है कितना -1, नीचे वाला करंट कितना हो जाएगा BTH/5, J वाला करंट कितना हो जाएगा प्लस BTH पॉजिटिव है तो माइनस हो जाएगा 10 डिवाइड बाई रजिस्टर कितना है भाई 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से सिंपली मिल गया भी 5 LCM लो, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, प्लस BTH माइनस 10 इक्वल टू 0, 2BTH इज इक्वल टू 15, तो BTH किसके कल आ जाएगा भाई 7.5 वोल्ट, क्लियर। तो ईजिली निकल गया भाई आपका BTH, तो BTH की वैल्यू किसके कल आ गई आपकी 7.5 वोल्ट, करेक्ट हुई इतनी बात। अब नेक्स्ट हमें निकालना है RTH, तो RTH कैसे निकलेगा, RTH हम निकालेंगे भाई इंडिपेंडेंट सोर्सेज को जीरो करके। चलिए अब इंडिपेंडेंट सोर्सेज करंट सोर्स है, इसको क्या कर देंगे डिस्कनेक्ट कर देंगे, ये मेरा डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट मेरे पास कितना बचा, नेक्स्ट मेरे पास और तो कुछ नहीं है, ये रहा एक, इसको भी हम क्या कर देंगे शॉर्ट सर्किट कर देंगे भाई, ये भी मेरा हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, ये तो सर्किट से हट ही गया है, ओपन सर्किट हो गया, राइट। अब ये दोनों चीज़ें बची हैं भाई, ये टर्मिनल कितना है ए, ये टर्मिनल कितना है बी, इसी सर्किट को हम ऐसे निकाल सकते हैं, ये टर्मिनल है ए, ये है बी, ये भी ए है, इसका मतलब ये बी है, एक तो ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, दूसरी भी क्या है ए और बी के बीच में कनेक्टेड है 5 ओम 5 ओम, क्लियर अभी पॉइंट। अगर ये टर्मिनल ए है ये बी है, इसको और इजी करने के लिए ये कनेक्शन मैं यहाँ से ले लूँ, इसी कनेक्शन को हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, क्लियर। ये ए है ये बी है, ये आपने निकालना था RTH, तो दोनों रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड है भाई पैरेलल में, क्लियर। पैरेलल में क्या होता है, ऊपर दोनों की प्रोडक्ट नीचे दोनों का सम, लेकिन जब सेम नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जितने बार आपकी पैरेलल में कनेक्ट हो वो रेजिस्टेंस लेकर उतने टाइम उसको डिवाइड कर दो। अब 5 है कितने बार कनेक्टेड है 2 बार, तो डिवाइड बाई 2, तो 2.5 ओम,
समझ पा रहे हैं पॉइंट? भाई इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई, फाइंड द नॉर्टन इक्विवेलेंट अक्रॉस द एक्स वाई टर्मिनल। तो एक्स वाई टर्मिनल के अक्रॉस आपने इसको ड्रॉ करना है, क्लियर? तो जल्दी से भाई इस सर्किट को मैं ऊपर बना रहा हूं। नॉर्टन इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना आपने, यहां पे कितना 3i, 1 ओम है, ये करंट है आपका आई, ये सिंपल सा सर्किट गिवन है भाई, ठीक है? ये एक्स है, ये वाई है। नॉर्टन इक्विवेलेंट में सबसे पहले आई शॉर्ट सर्किट निकालेंगे, इसको क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट, आई शॉर्ट सर्किट, समझ रहे हैं भी पॉइंट? तो इस करंट की वैल्यू कितनी होगी, तो करंट ऑलवेज फॉलो लो रेजिस्टिव पाथ, इधर से आई आ रहा है, इधर से कितना आ रहा है 3i, तो इधर कितना जाएगा 4i, क्लियर? तो आप क्या करो, इस पूरे लूप में केवीएल अप्लाई कर दीजिए, समझ रहे हैं पॉइंट? तो जल्दी से अप्लाई करिए और बताइए कितना आ रहा है भाई, -5 प्लस आई, और तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इक्वल टू 0, तो आई करंट की वैल्यू कितनी आ गई भाई, बोलो जी, आई की वैल्यू कितनी आ गई, 5 एम्पियर। तो ये जो शॉर्ट सर्किट करंट है ये कितना है, 4i, तो 4 × 5 दैट इज 20 एम्पियर, क्लियर? तो शॉर्ट सर्किट करंट मेरे पास कितना आ गया जी, 20 एम्पियर। अब मुझे क्या निकालना है, RN मीन्स RTH, तो RTH के किसके अक्रॉस निकालना है, एक्स वाई के अक्रॉस। तो सबसे पहले क्या कर देंगे इसको, शॉर्ट सर्किट, इसको हम कर देंगे शॉर्ट सर्किट, क्लियर? अब यहाँ पे या तो वोल्टेज सोर्स लगा लीजिए, चाहे आप करंट सोर्स लगा लीजिए 1 वोल्ट, ये करंट मुझे आई निकालना होगा भाई, क्लियर? तो जल्दी से बताइए भी क्या होगा इसका आंसर, अगर ये 1 वोल्ट है, ये भी 1 वोल्ट होगा, और इस रेजिस्टेंस को मैं ऐसे दिखा सकता हूँ भाई, इस रेजिस्टेंस को हम ऐसे दिखा सकते हैं, 1 ओम, ये 1 है, 1 है, 1 है, यहाँ पे वोल्टेज 1 है, 1 वोल्ट, क्लियर? इसका मतलब इसका जो करंट यहाँ पे आने वाला है दैट इज़ नथिंग बट 1 एम्पियर, क्लियर? तो अगर मैं इस सर्किट की बात करूँ, यहाँ पे KCL अप्लाई कर दूँ, तो KCL अप्लाई करने के बाद जो करंट की वैल्यू आने वाली है उसकी वैल्यू किसके कहलाएगी, जल्दी से बताइए भाई। तो KCL अप्लाई कर दीजिए, चलिए पहले इसको आई ही कंसिडर कर लीजिए, तो जे वी इनकमिंग है, जे वी इनकमिंग है, जे वी इनकमिंग है, तो आई प्लस 3i प्लस आई इक्वल टू 0 हो जाएगा भाई, क्योंकि तीनों नेगेटिव होंगे, नेगेटिव कॉमन निकाल लिया, इक्वल टू 0 कर दिया, तो आई करंट की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस ऑफ 4i, क्लियर? तो अगर आप वैसे ऐसे नहीं निकालना चाहते तो आप ऐसे निकाल दीजिए भाई, इसको रेफरेंस ले लीजिए, जहाँ पे वोल्टेज कितनी होगी, 1 वोल्ट हो जाएगी, इस आई करंट की, आई करंट मेरा ऐसे जा रहा है, तो 0 - 1 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस 1 दैट इज आई, आई इक्वल टू -1 एम्पियर। अगर ऐसे भी निकालते आप, जे करंट मेरा 1 एम्पियर ऐसे आएगा, जे करंट और जे करंट दोनों अपोजिट है तो नेगेटिव आ जाएगा, क्लियर? तो आई करंट की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, -4 ऑफ -1, तो आई करंट मेरे पास इक्वल जो आ गया भाई 4 एम्पियर। तो आर एन किसके इक्वल होगा राजी, आर एन इज नथिंग बट 1 डिवाइड बाई i, दैट इज 1 डिवाइड बाई 4, दैट इज 0.25 ओम, करेक्ट हुई इतनी बात? तो लास्ट क्वेश्चन आप और देखिए भाई, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब लास्ट एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है भाई, इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहता है तो आपको जो प्रोसेस मैं अभी बताने वाला हूँ वैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, करेक्ट हुई इतनी बात? तो जल्दी से देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 6। आपके पास कोई नेटवर्क गिवन है, आपको ये नेटवर्क गिवन है, उसके अक्रॉस आपने रेजिस्टेंस लगा रखा है, रेजिस्टेंस आर, और यहाँ पे करंट कितना जा रहा है, आई, क्लियर? तो वैल्यूज़ आपको गिवन है, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरे पास 0 है उस केस में जो करंट की वैल्यू है वो मेरे पास 3 एम्पियर आ रही है, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरे पास 2 ओम है तो उस केस में करंट मेरा 1/2 एम्पियर आ रहा है, क्लियर? अब बोल रहा है जब रेजिस्टेंस मेरा 1 ओम होगा उस केस में करंट मेरा कितना होगा, क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चन को ऑलवेज ट्राई करना कि आप थेवेनिन से करना, ठीक है? इसका मतलब इस पूरे सर्किट को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ राजी, बोलो बोलो जल्दी से, RTH और उससे रिप्लेस कर सकता हूँ, बोलो, BTS से, ये मेरे पास हो गया BTH, इसको हम क्या लिख देंगे, RTH, और आगे मेरे पास ये चीज़ तो गिवन ही थी, यहाँ पे रेजिस्टेंस R है, करंट कितना जा रहा था, I था, ये जो नेटवर्क था इस पूरे नेटवर्क को मैं ऐसे रिप्लेस कर सकता हूँ भाई, अभी अभी क्वेश्चन से देखा था,
क्लियर है भाई पॉइंट। अगर मैं इस आई करंट की बात करूं, इस आई करंट की जो वैल्यू है मेरे पास, उसकी वैल्यू क्या आएगी, बी टी एच डिवाइड बाई दोनों रेजिस्टेंस आर प्लस आर टी एच, करेक्ट हुई इतनी बात। अब मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ से मैं बी टी एच निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बी टी एच इज इक्वल टू आई आर प्लस आर टी एच, करेक्ट हुई इतनी बात। अब जो जो इक्वेशन गिवन है उसकी हम हेल्प से करेंगे इसको, जब रेजिस्टेंस मेरा जीरो है, करंट उस केस में कितना है, थ्री, तो बी टी एच की वैल्यू कितनी है भाई, ये है थ्री, ये जीरो प्लस आर टी एच, तो बी टी एच की वैल्यू किसके अकल आगी राजे, थ्री आर टी एच, दिस इज नंबर वन। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है, बी टी एच ये ए है ना, इसमें पुट कर देंगे ए में, बी टी एच इक्वल टू आई की वैल्यू है 1.5, कब, जब रेजिस्टेंस टू है और यहाँ पे कितना आ गया भाई आर टी एच, तो बी टी एच की वैल्यू किसके अकल आ जाएगी, थ्री प्लस 1.5 आर टी एच, करेक्ट हुई इतनी बात। अब अगर मैं बी टी एच की जगह पे थ्री आर टी एच लिख दूँ, थ्री आर टी एच, तो आंसर किसके अकल आ जाएगा भाई, बोलो जी, जे आ गया, जे इधर जाके माइनस हो जाएगा, थ्री से 1.5 माइनस किया तो 1.5 आर टी एच इक्वल टू थ्री, तो आर टी एच की वैल्यू किसके अकल आ जाएगी भाई, 3 डिवाइड बाई 1.5, इसको ऊपर ले लो भाई, ये किसके अकल आ गया भाई 2 पे, तो आर टी एच की वैल्यू किसके अकल आ गई राजे, 2 ओम, इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस आर टी एच वाला था इसकी वैल्यू आ गई आपकी 2 ओम, क्लियर। अगर ये 2 ओम है तो इसमें इसको जब हम नंबर 1 में पुट करेंगे तो बी टी एच की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितना, 3 × 2 दैट इज 6 वोल्ट, क्लियर है भाई पॉइंट। अब इस वोल्टेज की जो वैल्यू है मेरे पास 6 वोल्ट है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, किसी भी रेजिस्टेंस को इसको वेरी करते रहिए, अब जे भी मुझे पता है, जे भी मुझे पता है, कोई भी रेजिस्टेंस की वैल्यू कोई भी आ जाए मैं इस करंट आई की वैल्यू बता सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे बताना था करंट आई की वैल्यू, जब इस आई की इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हो, बी टी एच कितना है 6, आर प्लस आर टी एच कितना आ गया 2, क्लियर। क्योंकि ये जो नेटवर्क है इसकी वैल्यू अब बदलने वाली नहीं है, इस रेजिस्टेंस को आप बदल सकते हो, क्लियर। तो आई करंट की ये जो इक्वेशन मेरे पास स्टैंडर्ड बन गया है, क्लियर। मान लीजिए इक्वेशन नंबर जेड है, अब जब आर मेरा 1 होगा उसके इसमें आई बताना है भाई, तो बताओ जल्दी से, 6 आर की जगह पे 1 रख दो, दैट इज इक्वल टू 6/3 दैट इज 2 एम्पियर। मान लीजिए बोला जब आर इज इक्वल टू 4 होगा उसके इसमें करंट कितना होगा, यहाँ पे 4 रख दो, 4 + 2 = 6, 6/6 इज 1, क्लियर। तो किसी भी टाइप वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस के लिए आप आई करंट कैलकुलेट कर सकते हो, क्लियर। क्योंकि ये जो नेटवर्क है इसको मैं आर टी एच और बी टी एच के साथ रिप्लेस कर दिया, अब इसकी वैल्यू नहीं बदलने वाली, ये पैरामीटर आप बदल सकते हो, क्लियर। क्योंकि ये नेटवर्क से बाहर लगा हुआ है, इसको आप वेरी कर सकते हो, क्लियर। आई होप आपको नॉर्टन और थेवेनिन इक्विवेलेंट के जो क्वेश्चन है वो क्लियर हुए होंगे। तो नेक्स्ट फिर आगे कुछ थ्योरम के और क्वेश्चन देखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।